राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मेरी भाभी ने सुहागलें खिलाई थीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुहागलें खिलाने के लिए अवसान माता संकटा माता का पूजन कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि निमंत्रण पाने के बाद सुहागन महिलाएं जब भी आपके घर आती हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा सुहागन महिलाएं ग्रंथों में कही गई हैं, तो उसी तरह से पूजन सत्कार होना चाहिए। सबसे पहले आप उनको एक आसन देकर बिठाएं और फिर आप उनके माथे पर हल्दी और कुमकुम से टीका लगा सकती हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रही हैं, हल्दी और कुमकुम घोल लें और माथे पे टीका लगाएं, फिर उनके पैरों का पूजन किया जाता है। पैरों में हल्दी लगाकर इसके बाद जो है महावल लगाया जाता है। तो अगर संभव हो सके तो जो सुहागलें कर रही हैं, पूजा करने वाली हैं, तो वही अपने हाथों से सभी महिलाओं के पैरों का पूजन करने के लिए जो है उनके पैरों पे महावर लगाएं। और अगर टाइम नहीं है, क्योंकि पूजा की भी तैयारियां करनी होती है, कई सारे काम एक साथ हो जाते हैं, तो सभी महिलाएं खुद से ही अपने पैरों पर महावर लगा सकती हैं और जो पूजा कर रही हैं वो बस एक एक बिंदी सभी के पैरों में रख देंगी, तो इतना ही पैरों का पूजन उनके द्वारा माना जाएगा। एक और नियम है सुहागलों में महावर लगाने का कि उसी स्थान पर बैठ करके महावर सभी महिलाओं को लगाना चाहिए जिस स्थान पर बैठ कि वो पूजा करने वाली सुहागलें खाने वाली हैं, क्योंकि महावर लगाने के बाद फिर उठा नहीं जाता है, अपने स्थान को बदला नहीं जाता है। तो जिस स्थान पे पूजा और सुहागलें करनी है उसी स्थान पे बैठकर सभी महिलाएं महावर लगाएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगी, विशेष नियम है। अब आगे मैं आपको पूजा की तैयारियां बता देती हूँ। तो एक लकड़ी के पाटे के ऊपर गुलाबी या फिर लाल वस्त्र बिछा करके छुई या फिर सफेद मिट्टी के साथ ढेले रखने हैं, घेरा लगा करके रखिएगा और बीच में सिंदूर रखा जाता है, ठीक है। और आसपास जो है सभी चूड़ियां बिंदी जो भी आप सुहागन महिलाओं को देना चाहती हैं वो रख दीजिएगा, उनमें माता का आशीर्वाद हो जाता है, सिद्ध हो जाते हैं। और आगे जो है जैसे कि हर एक पूजा कलश स्थापना और गौरी गणेश के पूजन के बिन अधूरी होती है, तो सुपाड़ी में मौली धागा बांधकर श्री गणेश और हल्दी की गांठ से जो है आप गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं या फिर पिसी हल्दी से बना लीजिएगा, ठीक है। आगे एक खास होता है पान के पत्ते पर जो है संकटा माता का या फिर अवसान माता बोली जाती हैं, तो उनका चित्र बनाना होता है, तो रोली हल्दी मिला करके जो है अवसान माता का आप चित्र जरूर बना लीजिएगा, जैसा भी आपसे बने, ठीक है। माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं सभी जो हमने ढेले रखे हैं मिट्टी के और पान के पत्ते पर देवी हम बनाएंगे। और ये सभी तैयारियां हो जाने के बाद अब जैसा कि हर पूजा के पहले अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए, हमने कैसे वस्त्र पहने हैं, तो फूल की मदद से फिर कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डाल करके पवित्र कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आचमन जरूर कीजिएगा, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए जल मुख में छुआना होता है। चौथी बार आप हाथ धो लीजिएगा ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती महिलाएं अक्सर करती हैं, मैं खाने जाती हूँ जैसे सुहागलें तो देखती हूँ पूजा विधि, बताती नहीं हूँ क्या बोलूँ वहाँ पे, लेकिन आवाहन नहीं करती हैं। देखिए जब हम भगवान को बुलाएंगे नहीं, उनका वास नहीं होगा, तो फिर हमारी पूजा सफल कैसे हो सकती है। ऐसे तो हम दुकान में ही रखी सुपारी हल्दी सीधे रख के पूजा कर सकते हैं, तो सबसे पहले भगवान को बुलाना होता है, आवाहन के लिए हाथ में चावल लेकर के प्रार्थना करनी होती है कि हे सभी देवियों और हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, यहाँ पर आकर विराजमान होइए चौकी पर और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार कीजिए, ऐसा बोलकर अलग अलग चावल फूल छोड़ना होता है, फिर पूजा शुरू करनी होती है। तो फूल से या कुश की मदद से सभी को जल अर्पित किया जाता है स्नान के लिए, और जैसे सारी चीज़ें हम अपने लिए तैयार होते हैं नहाने के बाद वस्त्र पहनते हैं, तो भगवान को भी वस्त्र अर्पित किया जाता है, ज़रूर किया करिए, चाहे मौली धागा ही क्यों ना अर्पित करें, तो गोल गोल लपेट करके मौली धागा वस्त्र के स्वरूप अर्पित कीजिए सभी को, गौरी गणेश सहित संकटा माता को भी और देवियों को एक ही वस्त्र चाहे अर्पित कर दिया मौली धागा। और इसके बाद हल्दी चंदन कुमकुम सभी से जो है भगवान का पूजन करना है, सिंदूर अवश्य लगाना है, गणेश जी को भी प्रिय होता है, सभी देवियों को सिंदूर अवश्य लगाएं। इसके बाद जो है बिंदी चूड़ी जो भी आप रख रहे हैं श्रृंगार के लिए, तो आप सभी देवियों को जो आपने साथ विराजमान किया, अगर टाइम हो तो सभी को लगाना चाहिए एक एक करके बिंदी वगैरह सब कुछ, ठीक है। ऐसे कोशिश करें एक छोटी सी श्रृंगार पिटारी गौरी माता को जरूर अर्पित करें, एक डिब्बा चूड़ी संकटा माता और सान माता को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी चूड़ी के डिब्बे से एक एक चूड़ी लेकर के पूजा करने के बाद सभी महिलाएँ सुहाग लेती हैं। तो सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद जो है फूल चढ़ाएँ, लाल
लाल फूलों का विशेष महत्व होता है सुहागलों की पूजा में। फिर अक्षत अर्पित करें, धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं, ऐसे अगरबत्ती वर्जित बताती हूँ, जो जैसा संभव हो। धूप दिखाने के बाद जो है दीपक प्रज्वलित करके दीप कर सकते हैं, फिर चावल से भी दीप करने की भावना कर सकते हैं। फिर भोग लगाना चाहिए, भोग लगाने के लिए एक डिब्बा अलग से मिठाई मंगा लेना चाहिए, ठीक है, या फिर चने गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं, फल अर्पित करें अगर हों तो, और फल इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है पान चढ़ाएं। जितनी सुहागन महिलाएं आप खिला रही हैं उतनी संख्या के पान ज़रूर होने चाहिए, और अवसान माता को सभी पान अर्पित कर दें, जो देवियां हमने विराजमान की हैं साथ उनको पान चढ़ा दें। इसके बाद सभी को मिठाई बांटना चाहिए, सभी सुहागन महिलाओं को, सभी सुहागनों को आपको देना है जो भी आप मिठाइयाँ खिला रही हैं। इसमें आंचल से ही दिया जाता है और आंचल से ही लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आंचल में रख के जो कि सुहागनें खिला रही हैं वो अपने आंचल में रख करके दूसरे को दे देती हैं, सभी महिलाओं को, ठीक है। जब सभी महिलाएँ ले लेती हैं मिठाइयाँ तो वो अपने हिस्से से एक एक दो दो मिठाई जो है निकाल करके, और वो मुख्य महिला जिन्होंने पूजा की है, जो सुहागलें आयोजित कर रही हैं, उनको देती हैं, ठीक है। तो ये ओली देना कहलाता है, खास ध्यान रखिएगा, सभी महिलाएं एक एक मिठाई दो दो और उन महिला को दे दीजिएगा जो सुहागलें खिला रही हैं। और फिर क्या होता है कि साथ साथ चने छीलने होते हैं, ठीक है, साथ साथ चने आप छील लीजिएगा अच्छे से, जिनकी ऊपर की नुकीली जो परत होती है वो निकलनी नहीं चाहिए, नोक जो है टूटनी नहीं चाहिए चनों की। साथ चने लेकर के सुहागलों की कथा सुनी जाती है, तो चने लेकर के सभी कथा का श्रवण कीजिएगा। मैंने कथा का अलग से वीडियो दिया हुआ है, तो उसको प्ले करके भी जो है आप कथा सुन सकते हो। मैंने पूजा भी दिखाई, स्क्रीन पे पूजा चलेगी और कथा सुन पाएंगे, तो उसको देख लीजिएगा जरूर मेरे चैनल पे आकर के। तो कथा सुनने के बाद अक्षत स्वरूप जो हमने चने लिए हैं साथ वो अर्पित करने के बाद जो है सभी महिलाएं प्रणाम कीजिएगा। यहाँ पे जिनके यहाँ आरती होती है वो आरती कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र में आरती वगैरह नहीं होती है तो हमने नहीं दिखाई है, ठीक है। तो इसके बाद जो है खाना होता है, सभी महिलाएं जो है चने गुड़ का सेवन करेंगी। देखिए चना गुड़ बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, मिठाई और जो भी चीज़ें आप सुहागलों में पाते हैं वो गिरना नहीं चाहिए। अगर जिन महिलाओं का गिरता है तो माना जाता है कि उन्हें सुहागलें दोबारा से करनी पड़ेंगी, जिनका गिरेगा वो करेंगे, ठीक है। तो ये मानता अच्छे से ध्यान से खाइएगा, जो बचता है आप जो है सूर्यास्त के पहले उसे समाप्त कर सकते हैं दोबारा भी, या फिर पति को खिला सकते हैं। कोई भी नहीं खा रहा है तो आप गाय को या फिर नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तो ये हुआ खाने के बाद जो है सभी एक बड़े बर्तन में वहीं पास किनारे कर करके हाथ धो लेंगी, मतलब चौकी लगी हुई है तो थोड़ा सा उससे दूर कर करके हाथ धो लेंगी। यहाँ पे यहीं पे हाथ धोने का आशय ये है कि कोई भी जूठन जो है नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बड़े आराम से बड़ा सम्मान किया जाता है। तो वहीं पर हाथ धोने के बाद जो है अभी उठेंगी नहीं आप जो है सभी सुहाग लेंगी, तो सभी जो है अपने आँचल से मदद से गौरी माता को और संकटा माता को सिंदूर लगाएंगी, और वहीं उनका लगाया हुआ जूठा सिंदूर अपने माथे पे लगा लेंगी। एक एक चूड़ियाँ सभी महिलाएं पहनेंगी जो कि हमने संकटा माता को अर्पित करी होती हैं, और बिंदी हम लगाएंगे जो कि संकटा माता को अर्पित करते हैं, ठीक है। तो इसे सुहाग लेना कहते हैं। सभी सुहाग लेने के बाद जो है पान खाएंगी, जो भी वो पान होता है ना, पान ध्यान रखिएगा वो भी सुहाग का प्रतीक ही होता है, तो वहीं पे पान खाना है, बाद में नहीं खाना है कि आप बाद में खाएं, पान खा के थूका नहीं जाता है, निगल लिया जाता है, तो आप पान वहीं पे खा लीजिएगा। और इस तरह से जो है सारी चीज़ें पूरी होती हैं। बार बार प्रणाम कीजिएगा, क्षमा याचना करें जिन्होंने सुहागलों की पूजा करी है, कि पूजा पाठ में कोई गलतियां हो गई हो तो भगवान क्षमा करें, संकटा माता क्षमा करें, और जो भी जिसकी मनोकामना है वो सभी मनोकामनाएं बोलें। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे अब उठने की बारी आती है तो थोड़ा सा आसन वहीं पर हिला दिया जाता है, पीछे खिसका दिया जाता है, चार कोने पकड़ करके जो भी वस्त्र जैसे हमने बिछाए हैं तो उन वस्त्र के चारों कोनों को पकड़ करके थोड़ा सा झूला झूला दिया जाता है, और फिर जो है विदा कर दिया जाता है कि आप इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए, लेकिन आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, ऐसा प्रार्थना की जाती है, ठीक है। तो सभी का आसन पीछे खिसका दिया, जो पूजा कर रही थी वो अपना आसन पीछे खिसका करके और थोड़ा सा आसन के नीचे का जल माथे पर ज़रूर लगा लेंगी, ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। इस तरह से पूजा विधियाँ पूरी होती हैं, और कई वीडियो मैंने सुहागलों की पूजा के दिए हुए हैं, नियमों का अलग अलग बताया हुआ है, तो एक बार ज़रूर कथा वगैरह भी है तो आके देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।